गाइस क्या आपको पता है कि आज हम जो शैम्पू के पाउच यूज करते हैं वो होते ही नहीं अगर पाउच यानी कि सैशे रेवोल्यूशन नहीं आया होता। दरअसल ये बात है 19वीं सदी की, जब शैम्पू का एक बोतल 40 से 50 रुपए का मिलता था, जिसे अमीर लोग तो खरीद लेते थे लेकिन गरीब लोग इस बोतल में से थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू ही खरीद पाते थे। लेकिन चिन्नी कृष्णन जो कि एक रेवोल्यूशनरी आदमी थे, उन्होंने सैशे की खोज की, जिसके पीछे चिन्नी कृष्णन की सोच ये थी कि इंडिया का हर एक शख्स इन शैम्पू और साबुनों का यूज कर पाए, और इसीलिए उन्होंने सैशेज बनाए जिन्हें लोग 2 से 3 रुपए में खरीद सकते थे। और उनका ये इन्वेंशन सफल भी हुआ और पहले ही साल में इसके करीबन 1 लाख से ज्यादा पाउच बिक गए। और गाइस आज हम चिन्नी कृष्णन की इसी रेवोल्यूशनरी आइडिया से शैम्पू का यूज कर पा रहे हैं। तो गाइस केतन पारेख एक ऐसा नाम जिसने पूरे 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का स्कैम किया था। जी हाँ गाइस आप ठीक सुन रहे हैं, ये बात है साल 2001 की, जब केतन ने हर्षद मेहता की तरह ही कुछ बैंकों के साथ मिलकर इलीगली 1,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन लिया और उससे कुछ कंपनियों के 20 से 30% तक शेयर्स खरीद लिए, जिससे अल्टीमेटली उन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ गए, जिसे देखते हुए बाकी इन्वेस्टर्स ने भी इन शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया, जिससे इन शेयर्स के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ गए। और तब केतन ने इन शेयर्स को अच्छे दामों में बेचकर अपना प्रॉफिट बना लिया, वहीं बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे तब लॉस में चले गए, मतलब उनके साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका था। गाइस इसीलिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कंपनी के फंडामेंटल्स को जानना भी बेहद जरूरी है। गाइस भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और आज $1 की कीमत करीबन 77.69 रुपए हो गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारतीय रुपया इतना नीचे कैसे गिर गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने अपने टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं, जिसके चलते फॉरेन एक्सचेंज की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है। यानी कि अब अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसों को एक्सचेंज करता है, खासकर वहां जहां करेंसी डॉलर नहीं है, तो उसे नए टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के चलते फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन शेयर मार्केट और बाकी देशों के शेयर मार्केट जहां पर करेंसी डॉलर नहीं है वहां से अपने पैसे निकालना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से इंडियन रुपीज में इन्वेस्टमेंट कम हो गई है और रुपये की वैल्यू गिरती चली जा रही है। गाइस इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर रुपया और गिरता है तो महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। गाइस आज भले ही इंडिया इकोनॉमी, डिफेंस, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड में तरक्की कर रहा है, लेकिन एक फील्ड ऐसी भी है जहां आज भी देश की एक आबादी सफर कर रही है। जी हाँ गाइस हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, जहां देश के करीबन 8 करोड़ से ज्यादा बच्चे सिर्फ पैसों की कमी की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, जिनमें ज्यादातर परसेंटेज गांव की लड़कियों का है, क्योंकि गांव की लड़कियां मजबूरी के चलते पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा पाती। और इसी समस्या को दूर करने के लिए हरियाणा के एक छोटे से गांव दिगंबर से ताल्लुक रखने वाले कुछ दोस्तों ने मिलकर दुरीना ऐप लॉन्च किया, ताकि वो जरूरतमंद बच्चों को घर बैठे ही अच्छी शिक्षा दे सके। आपको बता दें कि दुरीना ऐप पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स करीबन 10 से ज्यादा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल कम फीस में। इसके साथ ही दुरीना ने गरीब बच्चों के लिए ऐप बिल्कुल फ्री कर रखा है। तो गाइस दुरीना ऐप को स्टार्ट करने वाले इन लोगों की सोच के लिए एक हार्ट। गाइस ये कहानी है नवीन जैन की, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसकी माली हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप के जरिए अमेरिका जाने का मौका मिल गया। लेकिन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करने का मौका मिला, जहां उन्होंने बिल गेट्स के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हुए विंडो 95, MS-DOS, विंडो NT और विंडोज को बनाने में माइक्रोसॉफ्ट की मदद की, जिसके चलते उन्हें विंडो 95 के 3 टेक पेटेंट के लिए अवार्ड भी दिया गया। लेकिन 8 सालों तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करने के बाद नवीन जैन को ऐसा लगा कि उन्हें खुद का स्टार्टअप खोलना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से जॉब छोड़कर साल 1996 में इन्फोस्पेस नाम की एक कंपनी खोल ली, और वो इसमें इतने सक्सेसफुल हुए कि आज वो मून एक्सप्रेस, इटालियस और टैलेंट वाइज जैसी बड़ी टेक और स्पेस कंपनियों के मालिक हैं, जिससे उनकी टोटल नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए हो गई है। गाइस नवीन जैन की इस कामयाबी के लिए एक हार्ट तो बनता है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशन वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।